वेलकम टू फिजिक्स फॉर यू द आइडियल फिजिक्स स्टडी एप्लीकेशन बाय अक्षय सर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट इक्वेशन यूज करके कुछ कंपाउंड पुली वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन of the blocks, blocks, rectangular body को हम block बोलेंगे, blocks and tensions in the strings, as shown SHOWN इन द फिगर, मेरे साथ लिखिए इन द फिगर, FIGURE। तो भैया फिगर ऐसा दिया है, क्वेश्चन, दिस इज द सीलिंग, सीलिंग मीन्स मतलब फिक्स्ड एंड, यहां से एक पुली ऐसे है, मेरे साथ करिए, इधर एक ब्लॉक लगा है, वही स्ट्रिंग ऐसे आया है और ऐसे एक मूवेबल पुली है, ऐसे। तो यहां पर एक ब्लॉक लगा है, ठीक है। लेट अस से ये ब्लॉक का मास है, लेट अस से 5 kg, ये ब्लॉक का मास लेट अस से 8 kg मान के चलिए, 8 kg मान के चलिए। क्वेश्चन पूछा है, इसको छोड़ देंगे, देखिए ये ब्लॉक 5 kg है, ये ब्लॉक 5 kg है। तो जनरली एक स्टूडेंट बोलेगा कि भैया ये 5 kg वाला है, 8 kg वाला, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा मतलब इसका पहले हम ऐसे ऐसे होल्ड करके रखे थे, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, तो नीचे जाएगा मतलब उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, क्वेश्चन पूछा है। और ये एक स्ट्रिंग है, इसका टेंशन कितना होगा, ये एक अलग स्ट्रिंग है, इसका टेंशन कितना होगा। तो देयर आर 4 अननोन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, ये स्ट्रिंग का टेंशन, ये स्ट्रिंग का टेंशन। ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेन भी पूछ सकता है, आज कल ये सब क्वेश्चन आता है। फिगर बनाइए, पॉज करके वीडियो का फ्री फिगर बनाइए। ये कंपाउंड पुली वाला सिस्टम है, मैं 2 पुली लगाया, देखिए। तो लेटर से ये ऊपर जाएगा, मैं अभी यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन में, तो ये नीचे कितना एक्सेलरेशन में आएगा, यही क्वेश्चन है। लेटर से मैं इसको ए डियास देता हूं, देखिए भैया ये ऊपर ए एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो ये पॉइंट भी ऊपर ए एक्सेलरेशन में जा रहा है, पर ये पॉइंट ये पुली के साथ फिक्स है, पुली तो भैया सीलिंग के साथ फिक्स है, तो ये पॉइंट का ये वाला ऊपर ए एक्सेलरेशन में जाएगा, ये पुली फिक्स है, तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी नीचे जाएगा, ये ऊपर जितना दूर जाएगा ये पॉइंट नीचे उतना दूर जाएगा, तो ये ऊपर एक्सेलरेशन करेगा ए, तो ये भी नीचे एक्सेलरेशन करेगा ए, क्योंकि पुली फिक्स है, समझ गए मेरे बात। पर ये पॉइंट क्या है, ये सीलिंग के साथ फिक्स है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए भैया, 0, क्योंकि फिक्स है, इसका मूवमेंट नहीं होता। तो ये पॉइंट का नीचे एक्सेलरेशन है ए, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन है 0, तो ये पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए प्लस 0/2। तो पुली का एक्सेलरेशन जितना होगा, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए प्लस 0/2, यानी कि ए बाई 2। कहने का मतलब है,
5 केजी ब्लॉक ऊपर ए एक्सेलरेशन करेगा तो 8 केजी ब्लॉक नीचे ए बाई 2 एक्सेलरेशन करेगा, उसका हाफ एक्सेलरेशन करेगा। अभी देखिए इस पुली को मैं 1 पुली लेता हूँ, इस पुली को 2 पुली लेता हूँ। ये पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ, ये सेकेंड पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली 2। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पुली 2 का देखिए। लेट अस से ये वाला स्ट्रिंग का टेंशन मान के चलिए, ये एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, इसका टेंशन मान के चलिए टी, इसका भी टी, वही स्ट्रिंग है भैया, इसका भी टी, पर ये अलग स्ट्रिंग है, नीचे वाला अलग स्ट्रिंग है, उसका टेंशन को मैं टी डैश ले रहा हूँ। तो पुली 2 का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो देखिए उसका मास, जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी, हम सब प्रॉब्लम में मास ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट बोल रहे हैं, यानी कि पुली को मासलेस बोल रहे हैं, उसका मास नहीं है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी नहीं पड़ेगा। तो ऊपर एक स्ट्रिंग है, यहां पर भी एक स्ट्रिंग है और नीचे एक स्ट्रिंग है। देखिए नीचे एक स्ट्रिंग है, ऊपर स्ट्रिंग, ऊपर स्ट्रिंग, नीचे एक स्ट्रिंग। ऊपर स्ट्रिंग का टेंशन है टी, जो कि बॉडी से आवे आएगा, ये इसका स्ट्रिंग का टेंशन है टी, बॉडी से आवे आएगा, ये भी टेंशन टी है, और नीचे स्ट्रिंग है टेंशन टी डैश, वो भी बॉडी से आवे आएगा। तो इसको क्विकली करिएगा। और ये पुली देखिए, कोई पूछेगा भैया कि पुली का तो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ए डैश एक्सेलरेशन ए बाई 2 में, तो पुली नीचे एक्सेलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर आएगा, ठीक है भैया आएगा, एम ए आएगा, एम ए मतलब है एडियास, पर एम नेग्लेक्टेड है, उसका मास नेग्लेक्टेड है, तो पुली का ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नहीं आएगा और स्यूडो फोर्स नहीं आएगा। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम के टाइम में पुली का वेट और पुली के ऊपर स्यूडो फोर्स को आप कैलकुलेशन को नहीं लेंगे, ओनली टेंशन। तो इसका टेंशन भी टी, टी बॉडी से आवे, बॉडी से आवे, ये टेंशन बॉडी से आवे। तो टी डैश क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस टी, यानी कि 2t, तो इसका टेंशन होगा टी डैश इज इक्वल टू 2t। दिस इज इक्वेशन 1 में ले रहा हूँ। देखिए इसका टेंशन टी है तो इस स्ट्रिंग का टेंशन होगा 2t, इसका एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन होगा a बाई 2। अभी मैं प्रॉब्लम करने के लिए जाता हूँ, 5 के जगह फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 के जी। देखिए भैया ये 5 के जी क्या है, ये हैंगिंग हुआ है, हैंगिंग हुआ है, इधर देखिए ये 5 के जी पूरा हैंगिंग हुआ है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा mg, mg मतलब m है 5, g है 10, और ऊपर को टेंशन है टी बॉडी से आवे और ऊपर को एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स नीचे आएगा। मैं इधर कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg यानी कि 50, m है 5, g है 10, ऊपर को है टेंशन टी बॉडी से आवे और ऊपर को एक्सेलरेशन है तो स्यूडो फोर्स आएगा नीचे, कितना आएगा ma, m मतलब 5, a मतलब a, तो इक्वेशन होगा टी इज इक्वल टू 5a प्लस 50। देखिए ऊपर वाला फोर्स, अपर फोर्स है टी और नीचे फोर्स है 5a एंड 50, तो टी इज इक्वल टू 5a प्लस 50, ये हो जाएगा 5a प्लस 50। लेट अस से दिस इज भैया इक्वेशन 2। अभी देखिए ये 8 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, इधर दिखाइए, ये 8 केजी का ग्रेविटेशनल फोर्स mg आएगा नीचे, mg मतलब m है 8, g है 10। अच्छा ऊपर को टेंशन कितना है भैया, टी डैश बॉडी से आवे और टी डैश का वैल्यू हमको 2t मिल चुका है। अच्छा नीचे एक्सेलरेशन है ए डैश तो ऊपर होगा स्यूडो फोर्स ma, समझ गए। तो अभी मैं इधर कर रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, वेरी केयरफुली आप करिएगा, 8 के जी। तो 8 के जी देखिए का ग्रेविटेशनल फोर्स वेट नीचे आएगा 80, टेंशन ऊपर को है टेंशन टी डैश। अच्छा नीचे देखिए, नीचे एक्सेलरेशन है ए डैश तो ऊपर है स्यूडो फोर्स ma डैश, ma डैश मतलब m मतलब 8, a डैश मतलब a डैश, समझ गए।
तो इक्वेशन होगा टी डैश प्लस एट ए डैश, टी डैश प्लस एट ए डैश इज इक्वल टू 80। अभी टी डैश के जगह मैं 2t पुट करूंगा, देखिए इधर देखिए, टी डैश के जगह मैं 2t पुट करूंगा और ए डैश के जगह मैं a बाई 2 पुट करूंगा प्लस 8, ए डैश के जगह a बाई 2 पुट करूंगा इज इक्वल टू भैया 80। समझ गए मेरे बात, इसको सॉल्व करेंगे इट इम्प्लाइज ये हो गया 2t प्लस ये हो गया 4a इज इक्वल टू 80। आप 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया t प्लस 2a इज इक्वल टू 40। 2 2 2 में कैंसिल कर गया इक्वेशन, दिस इज 3। देखिए इक्वेशन 2 में बोला है टी के जगह 5a प्लस 50, टी के जगह 5a प्लस 50 इधर पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन 2 था टी प्लस 2a इज इक्वल टू 40। अभी इक्वेशन 3 था टी का वैल्यू 5a प्लस 50, हम इक्वेशन 2 से लाकर इधर पुट कर दिए प्लस 2a इज इक्वल टू 40। देखिए भैया 5a प्लस 2a ये हो गया 7a, शायद गलत हुआ है, 5a प्लस 50 प्लस 2a इज इक्वल टू 40। अच्छा 5a प्लस 2a ये हो गया 7a, ये उस साइड चला जाएगा तो 40 माइनस 50 ये हो जाएगा माइनस 10, तो ये बन गया आपका माइनस 10/7। इसका मतलब समझिए एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मिला माइनस 10/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ब्लॉक, देखिए ये 5 kg ब्लॉक हम ऐसे दे रहे थे, ऊपर एक्सीलरेशन ए है, क्यों क्यों हम इसको ये हल्का समझे थे, इसको हैवी समझे थे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ऐसे ये नीचे आएगा इसलिए ऊपर जाएगा, पर इसका वैल्यू हमको मिल गया माइनस में, इसका मतलब है एक्चुअली ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, इसका वैल्यू मिला नेगेटिव में, इसका मतलब है ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। समझ गए, ये फिगर का उल्टा है। सो हम ऐसे बताएंगे, सो ये किसका एक्सीलरेशन है, 5 kg का एक्सीलरेशन ऑफ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ACC सुपरस्क्रिप्ट एन, 5 kg विल ब्लॉक विल बी कितना 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ ऊपर नहीं नीचे, नीचे यानी कि, तो इसका एक्सीलरेशन ए है 10/7, तो 8 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा, एडियास इज इक्वल टू ए बाई 2, यानी कि 10/7/2 यानी कि 5/7। सो एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक विल बी ए बाई 2, यानी कि ए का वैल्यू 10/7/2 ये हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, और कहाँ नीचे नहीं ऊपर, समझ गए, तो ए का वैल्यू माइनस मिला इसलिए आपको पॉजिटिव करना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। अभी ए का वैल्यू इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो टेंशन निकल जाएगा, तो टेंशन कितना होगा, सो टेंशन होगा 5a के जगह मैं 10/7 पुट किया, माइनस नहीं प्लस 50, ये आपका टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, टेंशन का यूनिट फोर्स है, यूनिट है न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। ये टेंशन किसका टेंशन है भैया, स्ट्रिंग का टेंशन को हम टी ले दे रहे हैं, देखिए पर इसका टेंशन कितना होगा, ये अलग स्ट्रिंग है, इसका टेंशन हो जाएगा टी डीएस इज इक्वल टू 2t, यानी कि इस ये जो आंसर मिला इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्ट्रिंग का टेंशन हमको मिल जाएगा। ये लेंथी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आता है एडवांस में, आता है जेई एडवांस में, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। इसका रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप कंपाउंड पुली वाला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा में आपको मिलेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
यही था प्रोसीजर, आराम से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।